जी कहानी ये है कि नई कढ़ाई मंगवाई हमने, कहा वो कास्ट आयन की कढ़ाई होती है ना, कच्चे लोहे की कढ़ाई, एक मोटी सी कच्चे लोहे की कढ़ाई मंगवाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पकाएंगे। लेकिन अब आ गई है और थोड़ी लेट आई है और रात का टाइम है, तो मैंने कहा छोड़ेंगे तो है नहीं, इसका शुभारंभ तो करके मानेंगे साहब। हैं तो इस कढ़ाई के साथ हम पिज्ज़ा बनाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि तवे पे पिज्ज़ा बना दिया। अभी जान बोल रहा है पापा मेरे को वो चाहिए, वो जो इस पिज्ज़ा के बीच में चीज़ होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, डबल क्रस्ट नहीं, चीज़ क्रस्ट, चीज़ बर्स्ट ऐसे कुछ बोलते हैं, चीज़ क्रस्ट, चीज़ बर्स्ट वो। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, आज हम बनाने वाले हैं वो पिज़्ज़ा जिसके बीच में भी चीज़ होता है जी, और जो सामान है उसी में बना लेंगे, होपफुली बन जाएगा, हमारी कढ़ाई का शुभारंभ हो जाएगा, वो मेना चाहे रात के 10 ही बज रहे हो। कॉलिंग एंड एक्शन। हिस्से हमारे बर्बादियों के कम तो नहीं हैं, हम तो नहीं, बिल्कुल सही समझे आप। ईस्ट के बगैर बनाएंगे, ठीक है? तो मैदा कितना ले लिया होगा मैंने, 1.5 कप मैदा ले लिया, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा ही टीस्पून बेकिंग सोडा, शक्कर, शक्कर बहुत ज़रूरी है क्योंकि शक्कर से आएगा रंग, ठीक है ना जी, और नमक। अब आप चाहें तो इसके अंदर 20 से 25% आटा मिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा आटा मिक्स करेंगे तो लचीलापन नहीं आएगा जो पिज्ज़ा से चाहिए होता है। चलिए मैक्सिमम 50-50, मतलब 50% आटा 50% मैदा, उससे ज़्यादा फिर जो है आप बनाने जाएंगे पिज्ज़ा, बन जाएगा पापड़ और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये गया थोड़ा सा तेल, ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, और अगर आप ईस्ट खाते हैं या अगर घर पे ईस्ट है तो बहुत ही आसान है, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी। फिर ईस्ट डाल के गूंदना है, जब ईस्ट की वजह से फर्मेंट हो जाएगा उसको यूज़ कर लेना, ये थोड़ा इंस्टेंट है, इसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी जी इसको छोड़ दिया साइड में, इसकी हो गई सेवा समाप्त। और ये वेट क्लॉथ, गीला कपड़ा, और वो जो बीच का हिस्सा होता है ना जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो चीजी ब्रस्ट, चीज बर्स्ट, चीजी कुछ, चीजी क्रस्ट जो भी बोलते हैं, वो या तो आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं चीज स्प्रेड, रेडीमेड चीज स्प्रेड, वो टब में आता है ना वो, या फिर अभी वो भी नहीं है मेरे पास तो मैं एक और चीज ट्राई कर रहा हूँ, इस कढ़ाई पे भरोसा करते हुए अपना चीज स्प्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, दूध, दूध के अंदर अरारूट कॉर्न स्टार्च, और ये चीज पड़ा हुआ है मम्मा का, ये पिज्जा चीज नहीं है, ये रेगुलर वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस चीज, तो ये प्रोसेस चीज है, तो मम्मा का प्रोसेस चीज, ये लो जी। अब इसको लेना है पका, ये जी हमारा देसी चीज स्प्रेड है, सॉरी सॉरी देसी नहीं बोल सकते इसको, इसको बोल सकते हैं जुगाड़ू चीज स्प्रेड। कॉर्नस्टार्च जो है वो कहने को तो एक चीट है लेकिन बहुत ज़रूरी चीट, अगर चीज़ स्प्रेड नहीं यूज़ करना तो कॉर्नस्टार्च यूज़ करिए, वरना दूध अलग हो जाएगा, चीज़ अलग हो जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। और एक बार वो चीज़ घुल गया और दूध गाढ़ा हो गया तो फिर बाकी का चीज़, एंड वी हैव टू रियली थिकन इट अप। नाइस, धीरे धीरे चीज़ को मेल्ट करके और मिक्स करना है और गाढ़ा करना है। इसको ऐसे गाढ़ा कर लिया, इसमें रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूध जो है सिर्फ नाम भर का है। ये हो गया हमारा होममेड चीज स्प्रेड, ये अब ये जब ठंडा होगा ना तो ये आपका चीज स्प्रेड बन जाएगा जी। अब इसमें अगर गार्लिक का जूस डाल दीजिए तो बोल दीजिए गार्लिक चीज स्प्रेड, पेपर डाल दीजिए पेपर चीज स्प्रेड, हर्ब्स डाल दीजिए चॉप करके हर्ब चीज स्प्रेड, या फिर क्या आता है वो मार्केट में, ऑलिव डाल दीजिए चॉप करके ऑलिव चीज स्प्रेड, दुकान लगा लीजिए बेचते रहिए। अब जो डो बना है उसको लेना है और उसके दो छोटे छोटे पेड़े काटने हैं। अभी जो चीज़ बर्स्ट या चीज़ क्रस्ट जो भी है वो पिज्ज़ा, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ये कि बीच में भी चीज़ और ऊपर भी चीज़ होना चाहिए, और दूसरा ये कि ऊपर भी
पिज्जा डो होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, लेकिन ऊपर का पिज्जा डो जो है वो पका होना चाहिए, ऊपर की रोटी जो है वो सिकी होनी चाहिए, वो ट्रिक है। तो जो ऊपर वाली रोटी है वो सिकने की तैयारी है अब, और ऊपर की रोटी उतनी बड़ी बेलनी है ताकि आपके बड़े वाले पिज्ज़ा के अंदर बैठ जाए। तो अगर मेरा पिज्ज़ा इतना बड़ा होगा तो अंदर की जो रोटी है वो इतनी बड़ी तो होगी ना। अभी इसको फोक से प्रिक कर लेना है। एंड डन। अब इसको ट्रिम कर लेता हूँ मैं, उससे क्या होगा, एक तो थिकनेस बराबर हो जाएगी, दूसरा गोलाई बराबर हो जाएगी। ये और ये कॉर्न मेरे पास पड़ा है तो ये भी डाल दिया। तो ये बन गई हमारे पिज्जा की सब्जी। अब क्या करना है, अब बनाना है नीचे वाला पिज्जा बेस। तो ये डो लिया, बहुत सारा मैदा डाला और इसको कर लिया रोल आउट। डो ऐसे ही होना चाहिए रनी, हाँ, भागता हुआ डो होना चाहिए। आमतौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो भाई थोड़ा सूजी डाल लेना आप, लेकिन इसमें सूजी या रवा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रिस्पी नहीं होना चाहिए डो, हाँ फ्लफी होना चाहिए, इसलिए सिर्फ मैदा ही बहुत। और अब देखते हैं अपने चीज स्प्रेड का क्या हुआ। ये देखिए, नाइस। पहले लगाना है ऑयल। अब इसको हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये कि इसको पहले गर्म कर लें, दूसरा ये कि जहां पे हम इसको पकाने वाले हैं उसको गर्म कर लें। अब वो मोटी वाली जो कढ़ाई लगाई है वो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी वो एकदम जड़ तक गर्म है, है? और अगर आप चाहें तो ओवन में ही पका सकते हैं, लेकिन हम ओवन में नहीं पकाएंगे क्योंकि हर एक के पास ओवन नहीं होता ना भाई। ये ऑलिव ऑयल, हाँ, अभी ये गया थाली के अंदर। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप चाहें तो चीज़ स्प्रेड के साथ साथ थोड़े चीज़ स्लाइस भी बिछा सकते हैं नीचे। अगर आप चीज़ स्लाइस बिछा देंगे तो क्या होगा कि चीज़ जो है वो बहेगा कम और आपको लगेगा कि चीज़ की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, जो मैंने चीज़ स्प्रेड बनाया है, देसी चीज़ स्प्रेड, कमर्शियली इस चीज़ को फिलर चीज़ बोलते हैं। तो कभी भी चीज़ क्रस्ट पिज्ज़ा में या चीज़ बस पिज्ज़ा में जो चीज़ जाता है वो फिलर चीज़ जाता है। अगर फिलर चीज़ मिलता है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अपना देसी जुगाड़ है, ठीक है। और एक ट्रिक जो है वो हमेशा याद रखिए कि जो भी इसका चीज़ स्प्रेड या फिलर चीज़ है वो एकदम ठंडा और अवन एकदम गर्म, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो सारा चीज़ जो है वो साइड से बह के निकल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब आप चाहें तो इसको यूँ फ्रीज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। ऐसे बेस बना के फ्रीज करके रख दीजिए, जब मन के ऊपर सॉस डालिए, सब्जी डालिए, खा लीजिए। या फिर अगर चाहें तो तुरंत इसको अंदर डाल दीजिए, तुरंत इज द कीवर्ड। अब ये गया पिज्ज़ा सॉस। अब पिज्ज़ा सॉस की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो तवा पिज्ज़ा जो मैंने बनाया है वो देख लीजिए, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है वो डाली हुई है, और ये वीडियो के एंड में भी एक स्लेट आ जाएगी जिसमें मेरे पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी होगी, झंझट फ्री पिज्ज़ा सॉस है। देखिए, आप चाहें तो ये टॉपिंग को ना हल्का सा सौते कर सकते हैं, उससे क्या है टॉपिंग का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाता है, नहीं तो कम से कम नमक तो लगा ही लीजिए बिफोर यू पुट इट ऑन योर पिज्ज़ा। अब हल्का सा ऑलिव ऑयल ब्रश कर देते हैं। हाथ बचा के ये भाई, तो बड़े सबर का टेस्ट है, मतलब आप कम से कम 20-25 मिनट तो लेके चलिएगा, चाहे कढ़ाई नहीं क्यों ना हो, है?
और नीचे वो जो नमक डाला हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और तीसरी चीज़, ये जो मैंने शो ऑफ के लिए लगाया हुआ है अपना ढक्कन, आपको ये ढक्कन डालने की ज़रूरत नहीं है, सिलो फॉइल भी लगा सकते हैं आप। हैं कैसे, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, डन। नहीं तो मतलब सिलो फॉइल लगा के ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऊपर से ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा इतना अच्छा ढक्कन है, मेरे को शो ऑफ करना है बारी बारी। निशान पिज्जा खाना है? हाँ, चीज पिज्जा। हाँ, चीज पिज्जा। ओके, अभी इसमें समझना क्या जरूरी है कि जो हमने कढ़ाई सेट करी है वो मोटी कढ़ाई लें, कढ़ाई के अंदर कम से कम एक तिहाई नमक डालें, उसके बाद चाहे तो कटोरी रखें या फिर ऐसे जाली बिछाएं, लेकिन जब पिज्ज़ा आप डालेंगे जाली के ऊपर तो उसके ऊपर जगह रहनी चाहिए ताकि ढक्कन लगाने की जगह रहे और हवा जो है वो घूमने की जगह रहे। अगर आपने ऊपर जगह कम छोड़ी तो हवा घूमने की जगह नहीं मिलेगी, बराबर से गर्म नहीं होगा। ये लो जी, डन हो गया। डन निकालने के बाद रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर का जो चीज़ सॉस है ना वो बहुत बहुत गर्म है, जो चीज़ हम लोगों ने स्प्रेड बनाया था, तो अगर आप ऐसे गर्म गर्म में काट देंगे सब बह जाएगा, उसको थोड़ा इकट्ठा होने देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, सब्र का काम है, लेकिन सब्र का फल चीज़ क्रस्ट पिज्ज़ा होता है। अगर आपके पास OTG है ना तो आप OTG को 210 डिग्री कर लीजिए, या 200 भी कर सकते हैं और उसके अंदर डाल दीजिए, लेकिन अगर OTG नहीं है तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके और फिर प्रोग्राम शुरू कर दीजिए, है ना। देखिए क्या चीज भरा हुआ है एकदम। बनाएंगे ना, मैं इतना मतलब ऑनलाइन कढ़ाई मंगवाने का इंतजार मत कीजिएगा, मैंने जिंदगी में पहली बार बनाया ये, पहली बार। एक दोस्त है वो अब बड़ा आदमी बन गया है, ऐसे ही एक पिज्जा चेन में उससे पूछा भाई कैसे बनता है, तो उसने बोला कुछ नहीं, बस याद रखना एक बेस पकाना है, एक बेस कच्चा रखना है, बीच में फिलर चीज भरना है। मैंने कहा समझ में आ गया, फिर मैंने कहा अवन में क्यों बनाए हैं, अब कुकर में बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, और फिर एक कढ़ाई आज आ गई, तो इसलिए मैं ज़िंदगी में पहली बार चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा, डबल चीज़ पिज्ज़ा, चीज़ी क्रस्ट पिज्ज़ा खाऊंगा। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू दिस कढ़ाई, और प्लीज़ बनाइएगा प्लीज़, बड़े मज़े की चीज़।